मिलियनेयर मास्टर में स्वागत है। मैं जानता हूं मेरे सेशन को आज बहुत सारे नए गैल्वे डिस्ट्रीब्यूटर पहली बार अटेंड कर रहे हैं, तो मैं आप सबका गैल्वे परिवार में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सब ने यहां आने से पहले, इस सेशन को अटेंड करने से पहले बिजनेस प्रेजेंटेशन जरूर देखी हो, तो मैं अपना सेशन दो सवालों से कर रहा हूं। पहला सवाल, आपको उस सेशन में ऐसा क्या लगा आपने गैल्वे बिजनेस को चुना, और दूसरा, इस बिजनेस को शुरू करते समय आपका नजरिया क्या था, आपका एटीट्यूड क्या था। मैं पहले आपको अपने बारे में बताता हूं। मैंने भी आप ही की तरह आज से लगभग 21 साल पहले, यानी कि 1999 में एक बिजनेस प्रेजेंटेशन देखी थी और एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को ज्वाइन किया था। उस समय मैं और मेरी गली में एक मेरा दोस्त रहता था, वो मुझे एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में ले गया था। जब मैंने बिजनेस प्रेजेंटेशन को देखा, तो देखने के बाद मैंने तय कर लिया कि मैं इस बिजनेस को करूंगा। और जो दो सबसे इंपॉर्टेंट बातें मुझे वहां पे समझ में आई, जिन्होंने मुझे इंस्पायर्ड किया इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए, उनमें एक था प्रोडक्ट। मुझे कंपनी का प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा था, लेकिन खाली प्रोडक्ट की वजह से मैंने बिजनेस ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि अगर मुझे खाली प्रोडक्ट लेना होता तो मैं प्रोडक्ट खरीद के घर आ जाता। दूसरी चीज मुझे जो सबसे अच्छी लगी वो था उस कंपनी का बिजनेस प्लान, और उस बिजनेस प्लान की वजह से लाखों रुपए कमाने वाले लोग वहां, कुछ लोग थे जो खड़े होकर अपने अनुभव शेयर कर रहे थे, जिन्होंने इस बिजनेस से अच्छा पैसा कमाया। मैंने उनके चेक देखे, मैंने उनकी मैगजीन में लगी फोटोज देखी, मैंने उनकी गाड़ियां देखी, उनके पास वो सब कुछ था जिसका मैं ख्वाब देखा करता था। उस बात ने मुझे बहुत इंप्रेस किया और मेरे मन में एक उम्मीद जगाई कि क्या मैं भी इस बिजनेस से वो सब हासिल कर सकता हूं जो इन लोगों ने किया। इन दोनों बातों की वजह से मैंने तय किया कि मुझे ये बिजनेस करना चाहिए। मजेदार बात यह थी कि वो लोग जिन्होंने वहां पैसे कमाए थे, उसमें हर तबके का व्यक्ति था। वहां पे डॉक्टर था, वहां इंजीनियर थे, वहां लॉयर थे, वहां सीए थे, वहां पे एक सब्जी बेचने वाला भी था, वहां एक प्लम्बर भी था, वहां किसान भी था, वहां दुकानदार भी था। यानी उस बिजनेस में हर तबके का व्यक्ति, हर तरह का व्यक्ति पैसा कमा रहा था। जब मैंने देखा कि यार अगर ये सब लोग पैसे कमा सकते तो मैं क्यों नहीं कमा सकता, और इस सोच के साथ, इस एक्साइटमेंट के साथ मैं घर रात को आ गया। मैं बड़ी दुविधा में था कि मुझे बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर मुझे दो बातें अच्छी लगी थी तो कुछ मेरे मन में शंकाएं भी थी, बड़े सारे डाउट भी थे, बड़े सारे कंफ्यूजन भी थे। ये बड़ी गंभीर स्थिति थी, मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। ख्याल आ रहा था कि ये कंपनी पता नहीं कैसी, कंपनी कहीं फ्रॉड तो नहीं, कंपनी कहीं भाग तो नहीं जाएगी, वो लोग जो खड़े होके वहां पर शेयरिंग कर रहे थे, वो लोग जिनके मैंने लाखों के चेक देखे थे, वो लोग जिनकी मैंने मैगजीन में फोटो देखी थी, क्या वो रियल है, कहीं ऐसा तो नहीं कंपनी ने सिर्फ उनको खड़ा कर दिया। वो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी मैंने वहां देखी, क्या वाकई में अच्छी क्वालिटी है, उन लोगों ने अपनी टीम खड़ी कर ली थी, क्या मैं टीम खड़ी कर पाऊंगा। मैं टीचर आदमी हूं, मैंने आज तक एक सुई नहीं बेची, क्या मैं प्रोडक्ट बेच पाऊंगा, क्या मैं लोगों को कन्विंस कर पाऊंगा, क्या मैं वहां कामयाब हो पाऊंगा। अगर मैं कामयाब नहीं हो पाया तो मैं लोगों को कन्विंस कैसे करूंगा। ऐसे बड़े सारे डाउट मेरे मन में चल रहे थे और मैं फैसला नहीं कर पा रहा था कि मुझे बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फाइनली सुबह मैंने फैसला लिया कि मैं बिजनेस करूंगा। जब मैंने फैसला लिया तो उस समय मैंने क्या सोच के फैसला लिया वो आपको बताता हूं। मैंने दो बातें सोची। मैंने सोचा अगर ये जो कुछ मैं कल देख के आया ये सब सच है तो चेतन हांडा तेरी लाइफ चेंज हो जाएगी, और अगर सच नहीं है तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। डिस्ट्रीब्यूटरशिप फ्री है, तू थोड़े से पैसे देके अपना प्रोडक्ट खरीदेगा, अगर कामयाब हो गया तो ठीक,
नहीं हुआ तो तेरे पास तेरे प्रोडक्ट है, तू अपना ट्यूशन पढ़ा रहा है, पैसे कमा रहा है, कमाता रहे, वैसे भी पार्ट टाइम काम करना, तो इतना परेशान होने की क्या जरूरत है। तो मैंने उस समय सोचा कि चलो करके देख लेते हैं। मैंने इस एटीट्यूड के साथ इस बिजनेस को शुरू किया कि चलो करके देख लेते हैं, हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो कोई बात। और मैंने अपने दोस्त के साथ अगले दिन जाके बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। जब मैंने बिजनेस ज्वाइन कर लिया तो मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि यार अब आपको ना बिजनेस का ट्रेनिंग लेना है। मैंने उससे पूछा कि ट्रेनिंग कौन देगा ट्रेनिंग? उसने बोला मैं दूंगा तुझको ट्रेनिंग और कुछ ट्रेनिंग तेरे को मेरी अपलाइन दे। मैंने उससे तो कुछ नहीं कहा मगर मैंने मन में सोचा कि क्या मैं इससे ट्रेनिंग लूंगा? मैं इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति, फिजिक्स का टीचर, अब मुझको ये ट्रेनिंग देगा? मैंने अपने अभिमान में उसको कुछ नहीं बोला, उसको सिर्फ बोला यार ट्रेनिंग करके क्या करना है, तुमने मुझे बोला था कि मुझे अपने लोगों को एक एक करके आप लोगों से मिलाना, मैं मिला दूंगा। उसने मुझे बोला आपको लिस्ट बनानी होगी। मगर लिस्ट बनाने की क्या जरूरत है भाई, मैं जिनको जानता हूं मेरी एक आवाज पे वो तुमसे मिल लेंगे और मुझे मालूम है मुझे किन्हें मिलाना है, मैं मिला दूंगा। यार तुमने मुझे ये बोला ना कि मुझे रोज एक दो गेस्ट उनको मिलाने हैं, वो मैं मिला दूंगा। मैंने बड़े कॉन्फिडेंस उनको बोला और मैंने बोला मुझको कोई ट्रेनिंग नहीं करनी, मेरे पास वैसे भी टाइम नहीं होता भाई, और मैंने उसकी बात को काट दिया। उसके बाद मैंने एक एक दो दो करके उनको गेस्ट को मिलवाया। आप यकीन मानेंगे दोस्तों, मुझे ठीक से नंबर भी याद नहीं है, मैंने 25-30 गेस्ट मिलाए होंगे और उनमें से मुझे किसी ने ज्वाइन नहीं किया, किसी ने मेरे साथ बिजनेस करने में इंटरेस्ट नहीं दिखाया। और जब जब मेरे गेस्ट मुझको मना करते थे, जब जब मेरे गेस्ट मेरे को ना कर देते थे, मुझे अंदर से बहुत बुरा लगता था क्योंकि कुछ लोग बहुत सरकास्टिकली भी मना करते थे और मैं बार बार ये मन बनाता था कि मैं बिजनेस छोड़ देता हूं। और मैं मन में कहता था मैंने तो वैसे भी यही सोच के ज्वाइन किया था, करके देख लेते हैं, हो गया ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं छोड़ देता यार, मैं तो अभी ट्यूशन पढ़ाता हूं। और मैंने 2-3 बार बिजनेस छोड़ दिया, लेकिन मेरी अपलाइन आज वो जहां भी है मैं उसको थैंक यू बोलता हूँ, बड़े दिल से थैंक यू बोलता हूँ, अगर उसने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा ध्यान नहीं होता। मेरी अपलाइन ने मुझे नहीं छोड़ा, मेरी अपलाइन जब भी मैं घर बैठता था वो मेरे पास आ जाता था और मुझे खींचकर एक जगह ले जाता था। वो जगह मैं आपको बताता हूं, वो जगह बड़ी कमाल की थी, वो जादुई जगह थी। मेरे जितने भी अपलाइन है और हमारी जो पूरी टीम है वो रात को एक जगह पे इकट्ठे होते थे, उस जगह को हम कहते थे अड्डा। वो हमारी एक सीनियर अपलाइन की एक शॉप थी जो 7-8 बजे बंद हो जाती थी, काफी बड़ी जगह थी, तो वहां शाम को इकट्ठे होते थे सारे। तो मेरा फ्रेंड, मेरी जो अपलाइन है वो मुझे वहां ले जाता था। जब मैं वहां जाता था तो वहां सारे के सारे बहुत पॉजिटिव बातें करते थे, वो मुझे फिर से मोटिवेट करते थे और मैं फिर पॉजिटिव होकर आ जाता था, फिर मैं 2-4 गेस्ट इंट्रोड्यूस कर देता था। पर ऐसे करते करते मैंने 25-30 जब गेस्ट इंट्रोड्यूस कर लिए तो फाइनली मैं हार गया और मैंने कहा मुझे बिजनेस नहीं करना। फिर मेरी अपलाइन ने मुझे बोला कि यार मैं ना आपसे हमेशा बोलता हूं, आप ना एक्चुअली, मतलब मैं आपको बुरा ना लगे तो आपको बोलो, आप बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं, आप एक बार मेरे कहने से ट्रेनिंग ले लीजिए। मुझे मालूम है मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कई बार कि आप ट्रेनिंग ले लीजिए, आप नहीं लेते हैं, आप थोड़ा सा एक बार मेरे कहने पे वक्त निकाल के ट्रेनिंग ले लीजिए। पता नहीं मेरे मन में क्या बात आई, क्या बुद्धि बैठी, मैंने उसकी बात मान ली और मैंने ट्रेनिंग ली। और जैसे जैसे मैं वो ट्रेनिंग अटेंड करता गया मुझे बहुत पछतावा हुआ। मुझे समझ में आया कि एक्चुअली मैंने 25-30 गेस्ट इंट्रोड्यूस नहीं किए थे, मैंने 25-30 ब्लंडर किए थे। वो ट्रेनिंग लेने के बाद मुझे समझ में आया कि मैंने 25-30 ब्लंडर किए थे। दोस्तों मुश्किल से 5-7 घंटे की टोटल ट्रेनिंग थी जो मैंने एक एक घंटा करके रोज करके 6-7 दिन में पूरी की। उसके बाद मैंने 20 गेस्ट इंट्रोड्यूस किए। जब मैंने 20 गेस्ट इंट्रोड्यूस किए तो आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि वो 20 लोग वो थे जिन्हें मैं अच्छे से ठीक से जानता भी नहीं था। उनमें से 5 लोगों ने मुझे ज्वाइन कर लिया।
और उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़के नहीं देखा। अब ये जो बात मैं आपको सारी बता रहा, जो मैं आपको सारा कुछ समझा रहा, इस सब में क्या हुआ वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। आखिर उस ट्रेनिंग से बदला क्या, वो समझने की जरूरत है। मैंने आपसे बोला था कि जब मैंने बिजनेस शुरू किया था तो मेरा एटीट्यूड था करके देख लेते हैं। मैंने इस बिजनेस को जब शुरू किया तो मैंने आधे अधूरे विश्वास के साथ शुरू किया, शंकाओं के साथ शुरू किया, इस एटीट्यूड के साथ शुरू किया कि करके देख लेते हैं। आई वॉज नॉट सीरियस फॉर दिस बिजनेस, मैं इसको बिजनेस मान भी नहीं रहा था। जब आप ऐसे आधे अधूरे विश्वास के साथ, शंकाओं के साथ, कंपनी पे शक, प्रोडक्ट पे शक, लोगों पे शक के साथ बिजनेस करेंगे और लोगों को ये बिजनेस देने की कोशिश करेंगे तो आप उन्हें क्या परोसेंगे? आप उन्हें यही सब परोसेंगे। जब आपको बोला जाता है आप गेस्ट लेके आओ, किन लोगों को आप लेके आते हैं? आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके साथी, आपके फ्रेंड्स। आप सोच के देखिए, जिस बिजनेस पे आपको खुद विश्वास नहीं है, जिस प्रोडक्ट पे आपको विश्वास नहीं है, जिस कंपनी पे आपको विश्वास नहीं है, जिसके लोगों पे आपको विश्वास नहीं है, पहला सवाल, क्या वैसा बिजनेस आपको अपने दोस्तों को ऑफर करना चाहिए? ये एथिकली भी ठीक नहीं। दूसरा, अगर आप ऑफर करेंगे भी तो आप बड़े आधे अधूरे आत्मविश्वास के साथ उन्हें ऑफर करेंगे, वो जिंदगी में कभी ज्वाइन नहीं करेंगे। इस बात को आप थोड़ा इस तरीके से समझिए। मान लीजिए आपका कोई दोस्त है जो अपने किसी बिजनेस में बहुत सक्सेसफुल है, थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं, मान लीजिए आइसक्रीम की दुकान है उसकी और वो बहुत सक्सेसफुल है, अच्छे पैसे कमाता। अगर आप उसके पास जाएं और उसे बोलें यार कि तुम मेरा भी यार ये आइसक्रीम का बिजनेस शुरू करा दे, और वो आपको बोले कि ठीक है तू आइसक्रीम का बिजनेस शुरू कर, मैं तुझे पूरी हेल्प करूंगा, मैं तुझे दिल से सिखाऊंगा, सब कुछ करूंगा, वहां पर दुकान ले ले, 20 लाख रुपए तुझे इन्वेस्ट करने हैं, तेरे को बिजनेस में सफलता दिलाने की गारंटी मेरी है, 100% तू सक्सेसफुल होगा। आप उसकी बात पे इन्वेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? आप 100% करेंगे, क्योंकि वो बात जो बोल रहा है, उसकी आंखों में जो कॉन्फिडेंस है, जो आत्मविश्वास है, वो आपको मजबूर करेगा कि आप उसकी बात माने। जब आप किसी बिजनेस में फेथ रखते हैं, जब आपको खुद को उस बिजनेस के बारे में भरोसा होता है, तो लोग आपकी बात मानते भी हैं और सुनते भी हैं, क्योंकि वो आपकी बातें नहीं सुनते हैं, वो आपके कॉन्फिडेंस को रीड कर लेते हैं। तो जिस बिजनेस में आपका फेथ ही नहीं है, जिसको आप शक की नजर से देख रहे हैं, जिसमें आपकी शंकाएं नीचे से लेके ऊपर तक भरी हुई है, उसमें आप कामयाब नहीं हो सकते। अगर आप इस आधे अधूरे एटीट्यूड के साथ, करके देख लेता हूं इस एटीट्यूड के साथ इस बिजनेस को करने की कोशिश करेंगे तो आप 100% फेल हो जाएंगे। दोस्तों, 99.9% लोग जो इस बिजनेस को शुरू करते हैं इसी एटीट्यूड के साथ शुरू करते हैं, क्योंकि 1 घंटे की बिजनेस प्रेजेंटेशन में आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता। इस आधे अधूरे विश्वास के साथ, इस एटीट्यूड के साथ करके देख लेते हैं, ज्यादातर लोग इसी एटीट्यूड से शुरू करते हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि आपने इस एटीट्यूड से शुरू किया। प्रॉब्लम यह है कि आप इस एटीट्यूड को भरोसे में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। बिजनेस ज्वाइन कर लिया आपने इस एटीट्यूड से, यहां तक ठीक है, लेकिन बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं तो उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप पहले अपना इस बिजनेस में भरोसा पैदा करें। तो पहली चीज जो इस बिजनेस में कामयाबी के लिए चाहिए वो है फेथ, फेथ इन द कंपनी, फेथ इन द बिजनेस, फेथ इन द प्रोडक्ट, फेथ इन द बिजनेस प्लान। पहले आप खुद कॉन्फिडेंट होइए कि क्या ये कंपनी जेन्युइन है, क्या कंपनी का प्लान अच्छा है, क्या वो लोग जो यहां से लाखों रुपए कमा रहे हैं वो वास्तविकता में हैं, क्या वो रियल हैं, क्या इस कंपनी के बिजनेस प्लान में वो ताकत है कि आपकी लाइफ बदल सकती है, क्या इस कंपनी के बिजनेस प्लान में वो ताकत है कि आप यहां से लाखों रुपए कमा सकते हैं। जब इन बातों के आंसर यस में आ जाए और आपको 100% भरोसा हो जाए कि यहां सब कुछ मुमकिन है, तभी आप इस बिजनेस को करेंगे। और अगर आप तब इस बिजनेस को करेंगे, आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। अब सवाल ये है कि ये भरोसा आएगा कैसे? ये भरोसा आता है 2 चीजों से, पहला ट्रेनिंग और दूसरा आपका अनुभव। 70% रोल है ट्रेनिंग का और 30% रोल है आपके एक्सपीरियंस का।
जिस दिन आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है उस दिन आप अपनी अपलाइन की उंगली पकड़ लीजिए, जो आपकी अपलाइन आपको गाइड करे आप वही सब करिए। आप हो सकता है अपने प्रोफेशन में डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सीए हो, टीचर हो सकता है आपके अपलाइन उस प्रोफेशन की ना हो और उतनी पढ़ी लिखी भी ना हो जितनी आप हैं, वो पढ़ाई लिखाई उस दुनिया की है। लेकिन अगर आप इस बिजनेस में आए हैं तो आप थोड़ी देर के लिए अपने पुराने एक्सपीरियंस, पुराने अनुभव, हो सकता है किसी कॉर्पोरेट दुनिया में एमबीए हो, मैनेजर हो, एजुकेटर हो, ट्रेनर हो, उन सारे अनुभव को आप साइड में रख लीजिए। ओपन माइंड होके आपको इस इंडस्ट्री की ट्रेनिंग लेनी चाहिए और वो ट्रेनिंग आपकी अपलाइन ही देगी, क्योंकि वो परंपरा से सारी ट्रेनिंग अनुभव के साथ उनके पास आई हुई है। तो सबसे पहले आप ट्रेनिंग अटेंड कीजिए, पूरी ट्रेनिंग विदाउट एनी कंजूसी, बिना किसी कंजूसी के साथ आप ट्रेनिंग अटेंड कीजिए। ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद आपको 70% फेथ कंपनी के अंदर आ जाएगा। अब उस ट्रेनिंग पे बेस आप काम शुरू कीजिए। जैसे जैसे आप ट्रेनिंग पे बेस काम करेंगे और आपको वो रिजल्ट मिलने लगेंगे जो आप रिजल्ट उम्मीद कर रहे थे, आपका फेथ 100% हो जाएगा। और जब आपका फेथ 100% हो जाएगा दोस्तों, तो आपको इस बिजनेस में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। तो पहली चीज जो आपको चाहिए इस बिजनेस में कामयाबी के लिए, वो चाहिए फेथ। क्या चाहिए आपको? फेथ। मेरे साथ क्या बोलिए, क्या चाहिए आपको? फेथ। और फेथ किससे आता है? दो चीजों से। नंबर एक, ट्रेनिंग। कितना परसेंट फेथ आएगा ट्रेनिंग से? 70%। और दूसरा आएगा एक्सपीरियंस, 30% आपको फेथ आएगा अनुभव से। अब मैं अनुभव से ही दूसरी बात पकड़ लेता हूं। दूसरी चीज आपको क्या चाहिए यहां से कामयाब होने के लिए? दूसरी चीज जो आपको यहां चाहिए कामयाब होने के लिए, वो है आपका कमिटमेंट। ज्यादातर लोग इस बिजनेस के साथ जब वक्त देने की बात आती है तो न्याय नहीं करते हैं, फिर वापस आ जाता हूं एटीट्यूड करके देख लेते हैं। बहुत सारे लोग इस बिजनेस को बिजनेस मानते ही नहीं है। इस बिजनेस में सबसे बुरी अगर कोई बात है तो वो बता देता हूं, वो बात ये है कि इस बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटरशिप फ्री है, आप जितने मर्जी पैसों से बिजनेस को शुरू कर सकते हो, आपको कोई रोकने टोकने वाला है नहीं, क्योंकि आपको आजादी है, फ्रीडम है, फ्री विल है। इसलिए लोग इस बिजनेस में सीरियस नहीं होते। जो इस बिजनेस का पोटेंशियल है, जो इस बिजनेस से मिल सकता है, उसके अगेंस्ट लोग जरा सा भी सीरियस नहीं होते। यही अगर किसी ने 20-25 लाख रुपए लगा के एक दुकान खोली होगी, सुबह 8 बजे जाएंगे, रात 10 बजे तक वापिस आएंगे, एक भी छुट्टी नहीं करेंगे, रात को नींद नहीं आएगी अगर सेल नहीं होती होगी। जिस तरह से हम किसी दूसरे बिजनेस में सीरियसनेस देते हैं, अगर उतनी सीरियसनेस इस बिजनेस में देंगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं ये बिजनेस आपको कभी निराश नहीं करेगा। इस बिजनेस में आपको 100% सफलता मिलेगी। इसलिए दूसरी चीज इस बिजनेस में जो चाहिए, वो चाहिए कमिटमेंट। ये सही है कि हमने बोला आप पार्ट टाइम काम शुरू करो, मगर पार्ट टाइम भी कमिटमेंट के साथ। अगर हमने बोला 2 से 3 घंटे आपको रोज देने हैं तो देने, कमिटमेंट के साथ। ये नहीं आज मन कर गया तो चले गए, मन किया तो नहीं। 2 से 3 घंटे आपको देने हैं और कम से कम 3 साल के लिए देने हैं। पंजाबियों में कहावत है, बिजनेस में पहले साल होती है चट्टी, दूसरे साल होती है खट्टी और तीसरे साल होती है हट्टी। किसी बिजनेस में भी कामयाब होने के लिए एक कंसिडरेबल टाइम देना पड़ता है। किसी भी दूसरे बिजनेस की तरह इस बिजनेस में भी आपको सीरियसली कम से कम 3 साल देने पड़ेंगे। अगर आप 3 साल इस बिजनेस में दे देंगे, ट्रेनिंग लेंगे और कमिटमेंट के साथ काम करेंगे, मैं आपको गारंटी बोल रहा हूं आप इस बिजनेस को कभी नहीं छोड़ेंगे। मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो कहते हैं, यार मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिसने ये बिजनेस शुरू किया था मगर वो कामयाब नहीं हुआ। मैं उनको करेक्ट करता हूं, तुम बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते होगे जिन्होंने ये बिजनेस शुरू किया मगर अपने पहले 3 सालों में छोड़ दिया। उन्होंने इस बिजनेस को बिजनेस की तरह किया ही नहीं। पहली बात, उन्होंने इस एटीट्यूड से नहीं किया, उन्होंने भी लॉटरी की तरह इस बिजनेस को किया कि करके देख लेते हैं। दूसरा, उन्होंने कमिटमेंट के साथ इसमें टाइम नहीं दिया। तीसरा, उन्होंने ट्रेनिंग नहीं दी। अगर किसी ने ट्रेनिंग की, अगर किसी ने कमिटमेंट के साथ काम किया और 3 साल इस बिजनेस को दिए,
उन लोगों में से कितने लोगों ने बिजनेस को छोड़ा वो मेरे सामने ला के खड़े कर, उनकी संख्या बहुत कम होगी। और जिन्होंने ये सब नहीं किया और बिजनेस छोड़ दिया, सॉरी उन्होंने बिजनेस नहीं किया, उन्होंने एक लॉटरी खींची थी और लॉटरी के रिजल्ट तो आप सब जानते हैं क्या थे। तो दोस्तों इस बिजनेस में दूसरी चीज चाहिए, कमिटमेंट। और जब मैं कमिटमेंट की बात करता हूं तो कमिटमेंट का मतलब है रोज 2.5 से 3 घंटे आपको पार्ट टाइम काम करना ही करना है, इससे ज्यादा करें तो और अच्छा है। और दूसरा 3 साल आपको इस बिजनेस को देने हैं। अब तक मैंने आपसे 2 बातें बोली। पहली चीज, इस बिजनेस में कामयाब होना है तो उसके लिए फेथ चाहिए। फेथ आएगा ट्रेनिंग से और दूसरा आएगा आपके अनुभव से। और अनुभव के लिए आपको दूसरी चीज देनी है कमिटमेंट, यानी आपको रोज कम से कम 2.5 से 3 घंटे काम करना है और वो भी 3 साल के लिए। अब मैं तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात पे आता हूं। अगर आप चाहते हैं कि आप इस बिजनेस में कामयाब हों तो तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपको चाहिए वो है एक सपना, एक ख्वाब। आप सबके पास एक सपना होना चाहिए और उस सपने से प्यार होना चाहिए। जब मैं प्यार की बात करता हूं तो प्यार से मेरा वही मतलब है जो प्यार एक लड़के और एक लड़की में होता है। अगर कोई लड़का किसी लड़की को प्यार करता है तो उसको पाने के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाता है, हर तकलीफ सहता है, कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहता है। वैसा ही प्यार आपको अपने सपने से होना चाहिए। दोस्तों मैंने आपको बताया था मैं एक गरीब परिवार का लड़का था। 1999 में हम 7 लोग, परिवार के 7 लोग एक कमरे के मकान में किराए पे रहते थे। जब मैंने पहली बार डायरेक्ट सेलिंग की बिजनेस प्रेजेंटेशन देखी थी तो मेरा उस समय सिर्फ एक ही ख्वाब था कि मुझे एक छोटा सा घर लेना है। और मैं उस ख्वाब के लिए ही बिजनेस करता रहा और उस ख्वाब ने मुझे जगा के रखा, उस सपने ने मुझे जगा के रखा। और आप यकीन मानिए दोस्तों, सिर्फ 5 साल में मेरा वो सपना पूरा हो गया था। तो मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आपके पास एक सपना होना चाहिए और उस सपने से प्यार होना चाहिए। ये सपना किसी का कुछ भी हो सकता है। मेरे लिए वो घर था, किसी के लिए वो कार हो सकती है, किसी के लिए वो सोशल वर्क हो सकता है। हो सकता है किसी का सपना हो कि वो एक अनाथालय बनाए, हो सकता है किसी का सपना हो वो गरीबों के लिए हॉस्पिटल बनाए, हो सकता है किसी का सपना हो वो वृद्धों के लिए आश्रम बनाए, और हो सकता है किसी का सपना हो कि मुझे कार चाहिए। जो भी आपका सपना है वो आपका अपना होना चाहिए और उससे आपको प्यार होना चाहिए। जब आप सपना देख लें तो उस सपने को विजुलाइज करें। जब आप उसे विजुलाइज करेंगे तो आपको प्यार हो जाएगा। अब सपने को विजुलाइज कैसे किया जाता है, सपने को जिया कैसे जाता है, सपना आपकी आंखों में होना चाहिए। मैं ये आपको एक उदाहरण के साथ समझाता हूं। मान लीजिए आपका ख्वाब है कि आपको एक कार खरीदनी है, तो सबसे पहला सवाल पूछिए कौन सी कार खरीदनी है। याद रखिए दोस्तों, सपना प्रैक्टिकल होना चाहिए। मान लीजिए आपका सपना है कि मुझे मारुति स्विफ्ट कार खरीदनी है, तो अगला सवाल पूछिए कौन से कलर की खरीदनी है। मान लीजिए आपने कहा मुझे सफेद रंग की मारुति स्विफ्ट कार खरीदनी है, मैं आपको एडवाइस दूंगा आप अपने एक दोस्त के साथ स्विफ्ट के शोरूम में चले जाइए, वहां पे उस स्विफ्ट कार को पसंद करिए जो आप भविष्य में खरीदना चाहते हैं। व्हाइट कलर की स्विफ्ट कार के अंदर देखिए उसका इंटीरियर कैसा चाहिए, उसके अंदर बैठिए, आपके दोस्त को बोलिए कि मोबाइल से मेरी फोटो खींच इस गाड़ी के अंदर बैठे हुए। उस फोटो को बाहर आइए, एक फोटोग्राफर के पास जाइए, उसकी एक फोटो बनवाइए, उस फोटो को अपने बेडरूम में दीवार पे लगा दीजिए। इसको बोलते हैं अपने सपने को विजुलाइज करना। इस ख्वाब को आप सुबह दोपहर शाम रात उठते बैठते जागते देखेंगे। इस अपना जो आपका फोन है उसका स्क्रीन सेवर जो है वो भी यही लगाइए। ये सपना आपको हमेशा जगा के रखेगा, ये सपना आपसे ट्रेनिंग कराएगा, ये सपना आपको बिजनेस में कमिटमेंट दिलवाएगा, ये सपना आपको बिजनेस में आने वाली हर परेशानी से लड़ने की ताकत देगा। दोस्तों बार बार गिर के आपको उठने की प्रेरणा देगा। और यकीन मानिए दोस्तों, ये सपना आपका 100% पूरा होगा, बस अपना फेथ सही रखना। इसके साथ मैं अपने
इस ट्रेनिंग के पार्ट वन को खत्म करता हूं। पार्ट टू के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि क्या ग्लेज बिजनेस प्लान में वो ताकत है कि जिससे आप अपना सपना पूरा कर सकते हैं। पार्ट टू में मैं आपको बताऊंगा कि ज्यादा पैसा कमाने के लिए किस तरीके से काम करना चाहिए। We'll be right back.